दिख रहा है ना स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन? या सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट सेट्स. जैसे सेट मतलब हमने तो ये वर्ड कई बार सुना है, जैसे सेट्स हम बोलते हैं कि वो दोनों एक सेट है, दैट मींस वो दोनों हमेशा दोनों साथ में चलते, तो हम बोलते हैं वो अलग सेट है, वो उनका अलग चलते हैं, वो एक सेट है करके बोलते हैं ना. जैसे नॉर्मल हमारा नॉर्मल वर्बल लैंग्वेज में हम बोलते हैं वो एक सेट है करके बोलते हैं, मीन सेट मतलब एक ग्रुप ऐसे बोलते हैं ना. देखो डिफरेंट सेट्स लाइक हियर यू कैन सी ऑड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रिवर्स ऑफ इंडिया इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स लाइक ए ई आई ओ यू, वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 लाइक फैक्टर्स 2, 3, 5, 7, दीज आर द फैक्टर्स. So, solution of the equation, x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Uska solution x is equal to 2 and x is equal to 3. I say, these are all well defined. So, hum set ka definition yahi bolte hai ki, here you can see, a set is a well defined collection of objects. Well defined. A set is a well-defined collection of objects. Well-defined collection of objects. So, उसका मतलब हम well-defined मतलब हम एक element बोलेंगे तो उस element उस set के अंदर आते हैं क्या नहीं वो हम बोल सकते हैं. So, a set is a well-defined collection of objects. That's all. Very simple thing. A set is a well-defined collection of objects. Well-defined का मतलब यही रहते हैं कि जैसे हम एक element बोलेंगे तो उस set के अंदर आते हैं क्या नहीं. जैसे set of natural numbers. So we represent normally, these are some common sets which we are using in maths. So main aapko bol raha 3 us set ke andar aa rahe hai kya nahi. 3 is a natural number set ke andar aa rahe. 5, yes 5 is a natural number us set ke andar aa rahe. 0 is not a natural number so us set ke andar nahi aayega. 1/2 is a rational number natural number ke andar nahi aayega. So it is well defined. Well defined ka matlab wahi rehte hai ki if we say one element, we will be able to say whether that element is in that particular set or not. Usko bolte hai, set bolte. These are some of the common sets we are familiar already in natural numbers, Z, integers, Q, set of all rational numbers, R, set of all real numbers, Z plus, that means set of all positive integers, Q plus set of all positive rational numbers, R plus set of all positive real numbers. These are some of the common sets we are using in mathematics. But हमने अभी तक मैंने आपको set कैसे लिखेंगे उसको कुछ बताया नहीं, सिर्फ इतना ही बताया कि set means it is a well-defined collection of ऑब्जेक्ट. सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बस उतना ही मैंने बोला है. अभी सो मैंने आपको बोला था सेट इज ए वेल डिफाइंड. आपको टेस्ट आप पढ़ लेना बिकॉज वेरी सिंपल, यू कैन यू रीड द टेक्स्ट बुक आफ्टर द क्लास. सो ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. Set is a well-defined collection of objects. Now, हम objects बोलते हैं, ना ये तो elements बोलते हैं, ना ये तो member बोलते हैं. जैसे natural number, natural number है तो हमें पता था natural number के अंदर आते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, etc. So ये इसको natural number के अंदर जो आ रहे elements 1, 2, 3 इसको हम बोलते हैं object, set का objects बोलते हैं.
नहीं तो उसको बोलते हैं सेट का एलिमेंट्स ए करके बोलते हैं, नहीं तो बोलते हैं कि सेट्स का मेंबर्स ए करके बोलते हैं। नॉर्मली सेट को नाम देने के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर यूज करते हैं, जैसे ए बी सी ऐसे कैपिटल लेटर यूज करते हैं सेट को नाम देने के लिए। एंड सेट को एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मल स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। कैपिटल लेटर्स सेट्स को नाम देने के लिए रहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स less than 7, okay, so I can give it like this, it is, I know, I can give as a name as A, and it is like, I know it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमें मतलब ये elements है, नहीं तो objects है, नहीं तो members है, अब इसको कैसे represent करेंगे, represent करने के लिए दो तरीके हैं, वो इधर बता रहे, एक मेथड को बोलते हैं रोस्टर मेथड, नहीं है तो टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, वो हम सभी एलिमेंट को दो ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा यूज करके लिखते हैं। जैसे अभी इसका एक समय में दिखाता हूँ, ऐसे लिखते हैं कि ये, सो मैंने वो ये दिया था, सो क्या करते है? ऐसे ब्रैकेट देते, दिस इज अ ब्रैकेट वी आर यूजिंग टू रिप्रेजेंट सेट दिस ब्रैकेट। सो ऐसे अभी इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखते हैं। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, नहीं है तो टैबुलर फॉर्म। सेट को एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, नहीं है तो टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। मतलब दो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट, जैसे आपने कभी देखा होगा इसी ब्रैकेट ना, curly brackets. So, ऐसे ब्रैकेट के अंदर, सभी एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट्स है पूरा एलिमेंट्स कॉमा यूज करके लिखते हैं। अभी मैंने इधर बताया एक सेट बोला था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, सो मैंने उसको नाम दे दिया ये। सो मैंने आपको बोला इधर आप कोई भी नाम ले सकते हैं, यू कैन गिव एनी लेटर ए बी सी, कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में सेट को नाम देने के लिए। सर हमें सब हमारे लिए नाम है, जैसे मेरा नाम जॉनसन है, आपका नाम, आपके लिए आपका नाम है, इसे सेट को नाम देने के लिए कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। एलिमेंट्स को जनरली रिप्रेजेंट करना है तो हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं। अभी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके है, एक रोस्टर मेथड, नहीं तो टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर मेथड नहीं तो टैबुलर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, दो ब्रैकेट्स के अंदर हम पूरा का पूरा एलिमेंट्स लिखते हैं, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, नहीं है तो टैबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म है तो क्या रहते हैं, हम ऐसे रूल यूज करते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे रीड करते हैं सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये रीड करते हैं ऐसे सेट of all elements, set of all elements, then dot dot, वो read करते हैं कि such that, ऐसे set of all elements such that, so here set of all elements such that, then हम rule use करेंगे, that means x is से x belongs to natural number, x is से natural number है, and x lies between, और ऐसे लिखते हैं x is less than 7, 7 नहीं आएगा, less than 7, so ऐसे लिखते हैं। so दोनों सही में, so हमने इधर क्या किया, एक रूल यूज किया, set of, it is read as, it is read like this, set of all elements such that x is a natural number, x is a natural, x natural number है, so natural number है तो 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 एक्सेट्रा जाएगा, बट ऑल्सो एक और कंडीशन दिया है एंड एक्स इज लेस देन 7, ऐसे यूज करते, इसको रीड, दिस इज रीड एज लाइक दिस,
इट इज हम ऐसे लिखते हैं वैसे, बट हम रीड एज ऐसे रीड करते हैं. सो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. सो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दो मेथड है, एक रोस्टर मेथड, नहीं तो टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, नहीं तो बोलते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर मेथड में तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पूरा का पूरा एलिमेंट्स लिखते हैं कॉमा यूज करके, उसको बोलते हैं रोस्टर मेथड, नहीं तो टैबुलर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे हम पूरा एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे. सेट बिल्डर फॉर्म का टेक्निक ऐसे है कि हम एक रूल बताएंगे. सो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू, दैट मीन्स यूर सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स, दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स. देन उसके बाद दो डॉट, उसका मतलब सच दैट, कैसे है कि, देन रूल बता रहे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर. तो ये सिंबल तो आपको पता होगा ना, दिस सिंबल एप्सिलॉन सिंबल, दैट सिंबल इज, उसका मतलब है ए बिलोंग्स टू, जैसे टू, ये सिंबल का मतलब है टू बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, टू इज ए मेंबर ऑफ, सिंबल यूज करते हैं. ये सिंबल ग्रीक लेटर में बहुत सारा ग्रीक लेटर हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, तो उसमें से ये सिंबल है, ये आपने कहीं देखा भी होगा, एप्सिलॉन बोलते हैं, इसका मतलब बिलोंग्स टू. सो टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर में है ना, उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू. अगर हमने जैसे देखो वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू, ऐसे लिखे एक लाइन मारा, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू, बराबर है ना, क्योंकि वन बाई टू नेचुरल नंबर में नहीं है. अंडरस्टूड? सो दैट सिंबल इज नोन एज, वी कैन से, इधर वी कैन से, इसका मतलब टू इज ए मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, और टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और टू इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे बोल सकते. सो दैट सिंबल इट इज रीड एज बिलोंग्स टू, नहीं तो इज ए मेंबर ऑफ, बिलोंग्स टू, नहीं तो इज ए मेंबर ऑफ. इधर वन बाई टू इज नॉट ए मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऐसे बोलते. ओके, सो दैट इज अ बेसिक आइडिया. अभी तो मैंने बताया सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड का मतलब यही रहते है कि एक एलिमेंट बोलने के बाद हम बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट उस सेट के अंदर आ रहे हैं क्या नहीं. सो वेल डिफाइंड नहीं है करके एक एग्जाम्पल में बताता हूं आपको. जैसे मैं बोल रहे सेट ऑफ लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल, लाइक नहीं तो क्या बोलते हैं कि द मोस्ट ब्रिलियंट पीपल इन द वर्ल्ड, मोस्ट 10 ब्रिलियंट पीपल इन द वर्ल्ड, मैंने ऐसा बोला. सो देन मैं एक आदमी का जैसे मेरा नाम बोला, सपोज मान लीजिए जॉनसन, उस सेट के अंदर आते हैं क्या नहीं पता नहीं है ना. इट इज नॉट वेल डिफाइंड. जैसे कभी जैसे कोई साइंटिस्ट का नाम बोलेंगे तो हो सकते कुछ लोग उनको बहुत ब्रिलियंट मानते होगा, कुछ लोग ब्रिलियंट नहीं मानते होगा. समझ में आ गया? नहीं तो मैं बोल रहे कि मोस्ट ब्यूटिफुल, द टॉप 10 ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड, ऐसे बोलेंगे तो जैसे हमने एक नाम बोल दिया, सो वो उसके अंदर आते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग उनको ब्यूटीफुल मानते होगा, कुछ लोग उनको ब्यूटीफुल नहीं मानते होगा. समझ में? सो इट इज नॉट, ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट देयर. वी विल कम टू दैट लेटर. एनीवे, सो सेट इज ए वेल डिफाइंड, सो इतना ही हमने अभी तक बोला. सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड का मतलब है कि हमने एक एलिमेंट बोला है तो उस एलिमेंट उस सेट के अंदर आते हैं क्या नहीं हम बोल सकते हैं. सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएगा, ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, नहीं तो मेंबर ऑफ द सेट बोलते हैं. सेट को नाम देने के लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं, एंड जनरली सेट के अंदर का एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर यूज करते हैं. एंड उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो हम बोलते हैं कि बिलोंग्स टू दैट सेट, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट बोलते हैं. अभी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है, एक रोस्टर मेथड है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है. रोस्टर मेथड नहीं तो टैबुलर फॉर्म, मतलब
कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पूरा का पूरा एलिमेंट्स लिखते हैं कॉमा यूज करके, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, नहीं तो रोस्टर मेथड, सॉरी रोस्टर मेथड नहीं तो टैबुलर फॉर्म। अभी सेट बिल्डर फॉर्म मतलब हम पूरा एलिमेंट्स कॉमा यूज करके नहीं लिखेंगे, हम एक पर्टिकुलर यूज रूल यूज करेंगे। इट इज लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने दिखाया था ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स, दैट मीन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट दैट एलिमेंट इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है उसके साथ also it is less than 7, so it is nothing but it is 1 2 3 4 5 6 only, as a rule use karte usko bolte hai set builder form, clear? Yes sir. Okay, to hum abhi to exercise mein jayenge, so aapko aur samajh mein aayega jaldi jaldi. Dekho, तो आप बताना है कि ये द विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, सेट है क्या नहीं है क्या? फर्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, सेट है क्या? यस सर. Is it a set or not? Yes. It's a set. Yes. So it is. Yes. Answer is yes. Yes. क्योंकि ओ क्या क्या आ सकते हैं उसके अंदर आते हैं जून, जुलाई, और कोई है क्या? अगस्त सितंबर अक्टूबर नहीं है ना? So it's a set. January. Two elements. Oh sorry. सबसे पहले मंद हमने मिल गया जनवरी, जनवरी है। सो देयर आर थ्री एलिमेंट्स इन दैट सेट, देन जुलाई, जून जुलाई, हां जनवरी जून जुलाई ऑलरेडी लिखा है ना, जून जुलाई जनवरी और लिखा है ऑर्डरिंग। सो ये सेकंड देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट when you write members na, you can write in any order, it doesn't matter. Then next they go, the collection of 10 most talented writers of India, is it a set or not? No sir. No, kyunki it is not well defined, it is not well defined. Yeah, because not it the most talented writers aise bolenge to it will vary, most talented writers vary from person place to place to person, that means jo main talented mante hai ho sakte hai aapne usko talented nahi mante hoga, jaise example lenge to most dekho next to dekho wohi jo maine batane ke liye aa rahe the, a team of 11 best क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, सेट है क्या? नो, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन मतलब कभी हम बोलते हैं कि जैसे कोई एक प्लेयर बोलने के बाद बोलते हैं बेस्ट बैट्समैन है करके बोलते हैं, बट दूसरा उनको बेस्ट मानते नहीं, सो दिस इज ऑल्सो रीजन इज द बेस्ट, ऐसे ये सब है ना जो एडजेक्टिव है बेस्ट मोस्ट टैलेंटेड, ये भी क्या होते हैं, इट विल बी वेरी पर्सन टू पर्सन, जो मैंने बेस्ट बैट्समैन पकड़ दूसरा उनको बेस्ट बैट्समैन नहीं पकड़ते हैं, सो इट इज नॉट ए मींस इट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट ए सेट। नेक्स्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस यस, बिकॉज आपका क्लास में तो सपोज मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स है तो उसमें से 15 नहीं तो 25 बॉयज होगा, 15 गर्ल्स होगा, सो एक बॉय ही बताएंगे तो आप बता सकते हैं कि आपके क्लास का है क्या नहीं, आप नहीं बता सकते हैं, सो इट इज यस इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यस यस इट इज अ सेट, इट इज वेल डिफाइंड, इट्स 99 उस सेट में आएगा, 101 उस सेट के अंदर नहीं आएगा। देन ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यस यस, बिकॉज उन्होंने जितना लिखा है वो पक्का है, जिसे उन्होंने लिखा उसका कलेक्शन है, सो इट इज वेल डिफाइंड।
the collection of all even integers. The collection of all even integers. Yes, sir. So it is yes. It is yes. So yes, even, sir. And आप देख सकते हैं इधर जो कि first set में कितने elements था? Three elements था इधर देखो three members और three elements हाँ. So, but इधर last का set में देखो collection of all even integers मतलब zero is an even integer. ऐसे जाएगा इनफिनिटी इधर है तो भी माइनस टू माइनस फोर एक्सेट्रा इनफिनिटी तक जाएगा सो इधर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स सो एक सेट के अंदर प्लस इनफिनिटी टू माइनस इनफिनिटी नहीं एलिमेंट्स आर जीरो टू फोर सिक्स एट एक्सेट्रा माइनस टू माइनस फोर एक्सेट्रा सो इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर सो ये सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आ सकते हैं इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आ सकते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं तो उसको हम पर्टिकुलर नाम देते हैं बाद में सर अभी जस्ट आपका इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे उसको हम बोलते हैं कि फाइनाइट सेट बोलते हैं जब इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट सेट बोलते हैं जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हम बोलते हैं कि फाइनाइट हाँ फाइनाइट एलिमेंट्स है तो फाइनाइट सेट इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इनफिनिट सेट ओके ओके यस सर इनफाइनाइट देखो उसका बाकी है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर Yes, because it is finite. Maybe 1000 question होगा नहीं तो 1500 question होगा जितना भी question है in this chapter का question it is finite. एक question बोलेंगे तो आप बोल सकते इस chapter से है क्या नहीं है ना Then collection of most dangerous animals of the world. Yes. Is it? No, sir. No, because. No. जो कुछ लोग डेंजरस पकड़ते हैं कुछ लोग उसको कुछ डेंजरस नहीं पकड़ते हैं नो सो दिस मोस्ट दिस विल वेरी पर्सन या दिस विल वेरी पर्सन टू पर्सन है ना कुछ लोग इवन लिसार्ड को भी बहुत डेंजरस पकड़ते हैं हम तो हमारा घर के अंदर रहते हैं लिसार्ड हम इतना डेंजरस नहीं पकड़ते हैं है ना सो ये डेंजरस मोस्ट ब्यूटीफुल बेस्ट बैट्समैन सो ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड सो वो सेट नहीं होगा अभी सेकेंड क्वेश्चन देखो ए इज इक्वल टू वन सेट इज गिवन 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल इसका सिंबल है दिस इज बिलोंग्स टू मैंने आपको बोला बिलोंग्स टू मतलब इट्स ए मेंबर ऑफ इसका मतलब है Does not belong to. नहीं तो not a member of. Member नहीं है ऐसे बोलने का सिंबल है. So five. उसका बीच में सिंबल क्या आएगा? Five. Belongs to. Belongs to. Eight. Not belongs to. आप दिख रहे हैं ना मेरा स्क्रीन? हाँ. Yes. Yes, sir. Zero. Zero. Does not belong. रोस्टर फॉर्म में दिया है रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है देखो ए इज इक्वल टू सेट ऑफ All integers, set of all elements such that x is an integer, x integer hai, and it is between minus 3 and 7. So minus 3 bhi hai. So minus 3, minus 2, minus 1, minus 1, 0, 0, 1, 2, minus 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा क्योंकि लिखा नाउ नेक्स्ट देखो
B. Set of all elements such that x is a natural number less than 6. So natural number is less than 6. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now next they go C. X is a two digit natural number such that sum of this digits is 8. So 17 26 35 26. आपका नेट ये होगा स्लो होगा इसलिए ऐसे नहीं आ रहे होंगे आएगा और नेट आया सर के हिसाब से क्वार्टर्स में मैं उसका ये भी भेजता हूँ नोट भी भेजता हूँ 44 देन 53 62 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
35 आ गया, 44 आ गया, 53 आ गया, 62 आ गया, 71 आ गया, 35 आ गया. ओके नेक्स्ट देखो डी. एक्सिस से प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइसर ऑफ 60. प्राइम नंबर भी है, 60 का डिवाइसर भी है. सो 2, 3, 5 और कोई डिवाइस रहेगा 60 का? हो गया. सो दैट इज अ सेट. कोई नहीं है. हो गया, कोई नहीं तो हम छोड़ दिया, बस उतना ही. नाउ ई देखो, ई इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री. सो टी टी आर आर ट्रिग्नोमेट्री जी जी ओ आर आई एन डी एन ओ या ओ दो बार और एक बार, एक ही बार लिखना, दो बार नहीं लिखना है क्योंकि रिपीट करके हम लिखने की जरूरत नहीं. एन के बाद अगेन एम ई एम ई आर एंड वाई. टी ऑलरेडी लिखा है, आर ऑलरेडी लिखा है, सो दोबारा रिपीट करने का जरूरत नहीं. वाई वाई हो गया. नाउ वाई यस. Then F is the set. There go set of all letters in the word better. So B, comma E. B E T R. T comma R. ऐसे लिखते हैं. E E T R. T R. Okay. अभी देखो फोर्थ वन में हमें ऐसे लिखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना. वो एक्चुअली फर्स्ट ब्रैकेट एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट ही है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट है. फोर का वन देखो 3, 6, 9 रोस्टर टू सेट बिल्डर. सो सेट बिल्डर फॉर्म में दी सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में दिया है. सेट बिल्डर सो फर्स्ट वन सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट कैसे लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ 3. सो एक्स से लेस देन मल्टीपल, जैसे एक्स इज सम 3 मल्टीपल ऑफ 3 लिखा 3 एंड एक्स इज इक्वल 3n. सो सब कुछ आएगा ना. सो n का वैल्यू देना, n का वैल्यू 1 n = 1 3 4
अलग तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं. थ्री फोर अब ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ थ्री एंड इट इज बिटवीन और मल्टीपल ऑफ थ्री बिटवीन और पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ थ्री लेस देन 30 ऐसे बोल सकते हैं. पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 12 ठीक है. इक्वल्स टू एक सेकंड कॉल कर देना. हेलो गुड मॉर्निंग बोलिए. अरे ये अभी मैं क्लास में है, कुछ टाइम के बाद बात करता हूँ. मैं क्लास ले रहे हैं. सो नेक्स्ट देखो सेकंड वन. हेलो हेलो कैन यू हियर माय वॉइस? या सेकंड वन देखो 2, 4, 8, 16, 32. So set of all, so नाम भी देना. Set of all x such that क्या बोल सकते हैं? X is equal to 2 to the power n. N is equal to 1, 2, 3, 4, 5. ऐसे बोल सकते हैं. 3, 4. Third one also आप लिख सकते हैं. Set of all elements such that it is a power of 5 to power n. So n is equal to 5 to the power n. 3, 4. अभी fourth question में कैसे लिख सकते हैं? देखो fourth question is 2, 4, 6 etc. So set of all x such that it is a multiple of x is a positive multiple of 2. नहीं तो एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर. नहीं तो पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इवन नंबर. नाउ फिफ्थ देखो. सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 1, 4, 9 up to etc. 100. That means set of all x that x is equal to n square. X to the n is natural number. Between, n is natural number. Natural number ka square hai, and n is between less than 10. What less than or equal to 10? That means 1 and 10 ke beech mein, including 1 and 10. Sabhi numbers ka square. Yes, ओके okay. अभी देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट इट इज एन ऑड नेचुरल नंबर. इनफिनिट. लिस्ट करना मतलब 1, 3, 5, 7 अब तो इनफिनिटी. एक सेकंड. 1, 3. सो इट इज ऑड नेचुरल नंबर. सो इट इज 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा अब तो इनफिनिटी. इनफिनिटी 3, 5, 7 इनफिनिटी. नेक्स्ट देखो x is an integer between -1/2 and 9/2. -1/2 and 1/2. So 0, 1, 2, 3, 0, 4. 0, 1. क्योंकि 9/2 is 4.5. Yes. Now, next देखो x is an integer. Square is less than or equal to 4. Square is less than or equal to 4 मतलब -2, -1, 0, 1, 2. सबका square less than or equal to 4. -2, -1, 1, 2. Next, X is a letter in the word loyal. So L O Y A. 0 भी है ना? 0 integer है ना? 0 का square less than 4 है ना? 0 भी आएगा.
then x is a month of a year not having 31 days. So January mein 31 days so nahi aayega. February. April. June. May nahi aayega. June. September. September. November. Ho gaya. August. Then dekho x is a consonant in the English alphabet which precedes k. X is a consonant in the English alphabet which precedes phi. Precedes matlab piche jo aa rahe. K ke pehle aa rahe. So k ke pehle kya kya aa sakte dekho. Consonant b c d d f g a b j c J. जो J जो प्रीसीस मतलब के पहले ठीक है. अभी 1 मिनट लेफ्ट उसके अभी कॉल